हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल। तो आज मैं बनाने वाली हूँ कटहल बिरयानी। कटहल अधिकतर सबको पसंद आता है, तो आज हम उसी से बिरयानी बनाएंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आई होप आपको पसंद आएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसको बनाने के लिए तो सबसे पहले यहाँ 250 ग्राम तक कटहल लेंगे और इसको इस साइज में कट कर लेंगे, यानी कि ना ज़्यादा बड़ा कट कीजिए ना ही ज़्यादा छोटे पीस कट कीजिए। और इसको 2 से 3 पानी में अच्छे से वॉश कर लेंगे, 2-3 बार अच्छे से वॉश कर लेंगे। और अब इसको एक साइड से रख देते हैं। और बिरयानी बनाने के लिए हम राइस लेंगे, तो यहाँ मैंने फार्चून का रोज़ाना बासमती राइस लिया है। और इसको भी 2 से 3 पानी में वॉश कर लेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के रख देंगे, जिससे कि जब तक आगे की प्रोसेस होगी तो चावल जो है वो अच्छे से फूल जाएगा। और अब यहाँ कटहल को उबालना है, तो कटहल को उबालने के लिए मैंने एक ये बर्तन लिया है और इसमें लगभग 1 से 1.5 गिलास तक पानी डाल के गर्म करने के लिए रख देंगे। और जैसे ही पानी गर्म हो जाएगा तो इसमें हम कटहल को पलट देंगे और इसको उबलने के लिए रख देंगे। साथ ही इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे, जिससे कि इसमें जब उबलने पे इसके अंदर तक नमक का फ्लेवर ऐड हो जाएगा। और साथ ही थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी डाल देंगे, चुटकी भर हल्दी पाउडर डालना है और इसको उबलने के लिए रख देना है। और हम नेक्स्ट प्रोसेस चावल को उबलने के भी कर देते हैं। दोनों प्रोसेस एक साथ करेंगे, जिससे कि ये जल्दी बन जाएगा। तो ऐसी चीज़ें बनाने में टाइम भी थोड़ा ज़्यादा लगता है, इसलिए दोनों साइड प्रोसेस करते हैं। तो एक साइड हमने ये दूसरा बर्तन लिया है और इसमें भी 1.5 गिलास तक पानी डाल के लगभग 1.5 से 2 गिलास तक पानी कर दीजिए। और जो हमने चावल फूलने के लिए रखा था इसमें पलट देंगे। तो यहाँ पानी ज़्यादा यूज करना है, जिससे कि चावल जो है वो खिले खिले बने, बिल्कुल भी चिपके नहीं। और इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड कर देंगे। तो यहाँ गैस के फ्लेम को लो कर देंगे और चावल को धीमी धीमी आंच में पकने के लिए रख देंगे, जिससे कि इसका पानी जो है वो भी बाहर ना आए और धीमी धीमी आंच में अच्छे से पक जाएगा। तो हमने एक साइड चावल भी पकने के लिए रख दिया और दूसरी साइड कटहल भी पकने के लिए रख दिया है। और अब यहाँ कटहल चेक कर लेते हैं और ये देखिए पकाए सिर्फ थोड़ा सा कसर बची है। तो जब हम आगे की प्रोसेस करेंगे तब उसमें बिल्कुल अच्छे से पक जाएगा। तो अब गैस को ऑफ कर देते हैं और इसका जो पानी है उसको छान के कटहल को अलग कर लेंगे। तो एक बड़े बर्तन में इसको पलट के रख लीजिए, इसको हल्का सा ठंडा कर लेंगे। ठंडा होने के बाद अभी इसको मैरिनेट करेंगे। तो चलिए इधर अब हम चावल भी चेक कर लेते हैं, वो भी लगभग पक गया होगा, क्योंकि ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि अभी हम एक बार उसे और पकाएंगे। तो ये देखिए चावल हमें यहाँ जितना पकाना था उतना पक गया है, इसको ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है। और इसका जो पानी है उसको छान देंगे। तो इस तरह से आप किसी छन्ने में, या छन्ना नहीं है तो आप किसी कॉटन के कपड़े में भी इसका पानी छान के अलग कर दीजिए। और इसके लिए एक बड़ी सी थाली लीजिए या कोई बड़ा बर्तन लीजिए और चावल को फैला के रख दीजिए, जिससे कि ये अच्छे से ठंडा हो जाए और बिल्कुल भी चिपके नहीं। अगर आपको लगे कि चावल बिल्कुल भी चिपक रहा है तो इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी डाल के इसको धुल दीजिए। अगर आप फ्रिज में रखे हुए चावल की बिरयानी बना रहे हैं तब तो बहुत ही अच्छी बनेगी और बिल्कुल खिली खिली बनेगी। और अब यहाँ आगे की प्रोसेस के लिए एक कढ़ाई लेंगे और मैंने इस कढ़ाई में 4 से 5 चम्मच ऑयल डाल के गर्म करने के लिए रख दिया है। तो यहाँ आप उतने ही ऑयल यूज कीजिए जितने में प्याज फ्राई हो जाए। और ये मैंने 150 ग्राम तक प्याज इस तरह से कट कर ली और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो यहाँ प्याज को फ्राई कर लेंगे। तो प्याज को यहाँ गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। आप चाहे तो यहाँ ड्राई अनियन भी यूज कर सकते हैं, अगर आपके पास है तो उसी को ऐड कर दीजिए। तो इसको इस तरह से फ्राई कर लेंगे और जैसे ही फ्राई हो जाएगी तो इसको निकाल के इसका तेल छनने के लिए रख देंगे। तो ये देखिए इसको बीच बीच में इस तरह से चलाते जाइए, बहुत सिंपल है और मार्केट जैसे ब्राउन कलर की प्याज तैयार हो जाएगी। तो यहाँ प्याज फ्राई हो गई और इसको इस तरह से छन्ने में निकाल के रख देते हैं, जिससे कि जो इसका एक्स्ट्रा ऑयल है वो हट जाएगा। और अब यहाँ जो हमने कटहल उबाल के रखा था उसको मैरिनेट कर लेते हैं। तो मैरिनेट करने के लिए यहाँ मैंने लगभग 2 चम्मच तक यहाँ दही ऐड कर दिया है, बिल्कुल फ्रेश दही ऐड करना है। और 1 चम्मच लेमन जूस ऐड कर देंगे, साथ ही यहाँ 1 चम्मच तक लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे, थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे कलर के लिए, और ये 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर ऐड कर देंगे, साथ ही नमक स्वाद अनुसार ऐड कर देंगे और लास्ट में लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। अगर तीखा पसंद है तो तीखा मिर्च ऐड कर दिए, या आप काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर सकते हैं। सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और ये हमारा मैरिनेट कटहल रेडी है।
और अब ये जो कढ़ाई में ऑयल बचा था उसको अच्छे से गर्म कर लेंगे, और जैसे ही गर्म हो जाएगा तो इसमें थोड़े से जीरा डाल के उसको चटकने देंगे। यहाँ मैंने ये सारे खड़े मसाले लिए हैं, सारे खड़े मसालों को डाल के इसको हल्का सा फ्राई कर लेना है। तो इसको इस तरह से फ्राई करने के बाद इसमें जो मैरिनेट कटहल है वो ऐड करके उसको भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे, जिससे कि इसमें जो सारी चीज़ें ऐड की हैं वो पकने के बाद एक अलग फ्लेवर आ जाएगा। तो इस तरह से बिल्कुल इसको हल्का सा फ्राई करना है। और फ्राई करने के बाद ऊपर से इसमें चावल की लेयर बना देना है। तो यहाँ मैंने 5 बड़े चम्मच इस तरह से चावल डाल के और इसको सेट करके एक लेयर बना देंगे, इस तरह बिल्कुल प्लेन कर देंगे। चावल को यहाँ इस तरह से स्प्रेड करने के बाद ऊपर से 2 चम्मच देसी घी ऐड कर देंगे। तो यहाँ 2 से 3 चम्मच मैंने देसी घी ऐड कर दिया है। साथ ही यहाँ ऊपर से बारीक कटी हुई हरी धनिया ऐड कर देंगे। ऊपर से 3 से 4 मिंट लीव्स इस तरह से तोड़ के ऐड कर देंगे और स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे। और ये 2 चम्मच तक यहाँ केसर वाला दूध ऐड कर देंगे। और ये मैंने बिरयानी मसाला लिया है, आप चाहे तो मार्केट का मसाला ऐड कर सकते हैं। अगर आपको घर पे बनाना है तो इसमें लौंग, काली मिर्च, इलायची और दालचीनी, तेज पत्ता, धनिया और जीरा को अच्छे से भून लेना है और इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर और मिर्च ऐड करके बिल्कुल महीन पीस लेना है। तो यहाँ ये मैंने 1 चम्मच तक ये मसाला ऐड कर दिया है, उसके ऊपर से फिर से चावल की लेयर बना देना है। और चावल की जैसे ही एक और लेयर बन जाएगी तो ऊपर से इस तरह जो फ्राई की हुई प्याज है इसको स्प्रेड कर देंगे। ऊपर से जो बचा हुआ मसाला है उसको भी ऐड कर देंगे और बारीक कटी हुई हरी धनिया ऐड करके इसको ढक के और धीमी धीमी आंच में 8 से 10 मिनट के लिए और पका लेंगे। तो इसको अच्छे से कवर करके ऐसा एक प्लेट ढकिएगा जिससे कि इसके जो अंदर की एयर है वो बिल्कुल भी नहीं निकले, और गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखिएगा और 10 मिनट बाद इसको चेक कर लीजिए। और ये देखिए 10 मिनट बाद टेस्टी टेस्टी कटहल बिरयानी रेडी। आप इसे गर्मा गर्म सर्व कर लीजिए। तो चलिए अब हम इसको सर्व कर देते हैं और आप एक बार घर पर जरूर ट्राई कीजिएगा, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसको दही के साथ या रायते के साथ और सिरका वाली प्याज के साथ सर्व करके टेस्ट जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो एक बार जरूर ट्राई कीजिए, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर।